बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट, हम मैथ ग्रेड सिक्स पंजाब टेक्स में बोर्ड कर रहे हैं। आज हमें जो करना हुआ है रिव्यू एक्सरसाइज 11 जो है वो हमें स्टार्ट करनी है, इसको आज हम करेंगे। तो चलें रिव्यू एक्सरसाइज 11 जो है वो स्टार्ट करते हैं। रिव्यू एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करनी कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, फिर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए अब रिव्यू एक्सरसाइज 11 की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट है रिव्यू एक्सरसाइज 11, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज फॉलोड बाय 4 सजेस्टेड ऑप्शंस, इन ईच केस सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। इन्होंने क्या है कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने क्या है कि आपको जो है वो ऑप्शन सी में, इसमें से आपने जो है जो करेक्ट ऑप्शन जो है उसको सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है द कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन और फैक्ट इज कॉल्ड, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन का मजमुआ जो होता है उसको क्या कहते हैं, तो डाटा डी पे हम टिक करेंगे, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट है द डाटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू, ए पे टिक करेंगे, टू टाइप्स, यानी कि डाटा जो है उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, टू टाइप्स, ठीक है, हम ए पे टिक करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है हमारा, अगर थर्ड पार्ट में द टैली मार्क्स शो, टैली मार्क्स को किस तरह शो किया जाता है, फ्रीक्वेंसी सी पे हम टिक करेंगे। अब फोर पार्ट में द बार ग्राफ इज आल्सो नोन एज बार चार्ट, बी पे टिक करेंगे, यानी कि बार चार्ट के तौर पर भी इसको बार चार्ट भी कहा जाता है, बार ग्राफ को। नंबर 5 पाई स्लाइसेस आर यूज टू ड्रॉ, बी पे टिक करेंगे, पाई चार्ट। और इसका 6 पार्ट है टोटल एंगल यूज इन पाई चार्ट, यानी पाई चार्ट में जो है वो टोटल एंगल जो है वो कितने होते हैं, तो डी पे हम टिक करेंगे, ये आगे 360 डिग्री, ठीक है। अब 6 के बाद 7 पार्ट है द मीन इज आल्सो नोन एज, सी पे टिक करेंगे, एवरेज, यानी कि मीन को जो है वो किसके तौर पर जाना जाता है, एवरेज के तौर पर, ठीक है, सी पे टिक करेंगे। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कम्प्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, डिफाइन द पॉइंट, इनको हमने डिफाइन करना है, ये जो आपको पास किए हुए हैं, ठीक है। इसमें नंबर 1 पे है डाटा, तो डाटा इसमें हम क्या लिखेंगे, डाटा में इसमें हमें लिखना है कि डाटा इज़ द कलेक्शन ऑफ एनी इंफॉर्मेशन एंड फैक्ट्स, यानी कि डाटा जो है वो किसी भी मालूमात का या फैक्ट्स का जो है वो मालूमात और फैक्ट्स का मजमुआ होता है, ठीक है। अब इसमें सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है ग्रुप्ड डाटा, इसके मुतालिक हम डिफाइन करेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे द डाटा विच इज गिवन इन इंटरवल्स और ग्रुप्स इज कॉल्ड ग्रुप डाटा, यानी कि वो डाटा जो ग्रुप के फॉर्म में दिया जाता है उसको हम ग्रुप डाटा कहते हैं, ठीक है। अब हमारा जो है वो थर्ड पार्ट के अनग्रुप्ड डाटा, तो थर्ड पार्ट में आप अनग्रुप्ड डाटा को सर आप डिफाइन करेंगे, द डाटा विच प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन और डाटा पॉइंट्स इंग्लिशली इज कॉल्ड एज अनग्रुप डाटा, यानी कि वो डाटा जो हमें जो है वो मालूमात जो है वो इंडिविजुअली जो है वो या इंफरादी तौर पर हमें प्रोवाइड करता है उसको हम अनग्रुप्ड डाटा कहेंगे, ठीक है। इसमें आपने ये लिखना है, ठीक है, थर्ड पार्ट में द डाटा विच प्रोवाइड एस इंफॉर्मेशन और डाटा पॉइंट्स इंडिविजुअली इज कॉल्ड एज अनग्रुप्ड डाटा, ठीक है। अब फोर पार्ट में इन्होंने मीन को डिफाइन करने के लिए कहा, तो इसमें आपने ये लिखना है द एवरेज ऑफ गिवन डाटा इज आल्सो नोन एज मीन,
ये आपने द एवरेज ऑफ गिवन डाटा इज आल्सो नोन एज मीन, यानी कि जो हमें जो डाटा जो दिया होता है उसमें जो एवरेज होती है उसको मीन के तौर पर जाना जाता है। ठीक है, इसमें आपने ये लिखना फोर पार्ट में। अब हमारा जो है फाइव पार्ट उसमें है मीडियन, इसमें मीडियन थर्ड फोर्थ और इधर फाइव आ गए और ये इधर सिक्स पार्ट है, ये इधर सेवन आए। फाइव आ रहा है मीडियन। ठीक है, तो मीडियन में हम क्या लिखेंगे, ये इसमें आपने लिखना है द मिडल टर्म इन एनी सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड मीडियन इफ इट इज अरेंज इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। द मिडल टर्म इन एनी सेट ऑफ डाटा, किसी भी डाटा के जो सेट में जो होती है वो मिडल टर्म जो होती है वो मीडियन कहलाती है, और इफ इट इज अरेंज इन एन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। ठीक है, इसमें आपने ये डिफाइन करना है। अगर नेक्स्ट हमारे पे जिसको डिफाइन करना है 6.6 में है मोड, मोड में आपने लिखना है द मोस्ट अपीयर्ड वैल्यूज इन एनी सेट ऑफ डाटा इज कॉल्ड मोड, यानी कि किसी भी जो डाटा जो दिया जाता है उसके सेट में जो ज़्यादा दफ़ा जो रिपीट होती है, जो ज़्यादा दफ़ा कोई वैल्यू हमें अपीयर आती है, हमें नज़र आती है, इसको हम मोड कहते हैं। ठीक है, अब हमारा जो लास्ट है ये है सेवन, ये है बार ग्राफ। इसमें हमने बार ग्राफ के पहले जो है वो डिफाइन करना है। इसमें आप ये लिखेंगे द बार ग्राफ इज ग्राफिकली डिस्प्ले ऑफ डाटा यूजिंग बार ऑफ डिफरेंट हाइट। बार ग्राफ में जो ग्राफिकल डाटा जो है वो डिस्प्ले किया जाता है किसको यूज़ करते हुए, डिफरेंट हाइट की जो है वो बार्स को यूज़ करते हुए, तो ये बार ग्राफ में हम जो है वो ये लिखेंगे। ठीक है, ओके, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर टू भी जो है वो कम्प्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है विच टेबल इज शोइंग द ग्रुप डाटा एंड विच इज शोइंग द अनग्रुप डाटा, यानी इन्होंने हमें टू टेबल दिए हैं वन और टू, इसमें हमने बता रहे हैं उसमें ग्रुप डाटा कौन सा है और अनग्रुप डाटा कौन सा। इसमें फर्स्ट है द सेल्स रिकॉर्ड ऑफ अ मंथ फॉर अ बुक शॉप इज शोन इन द टेबल, यानी कि मंथ में जो है वो बुक शॉप पे जो है वो सेल का जो रिकॉर्ड है वो इस टेबल में जो है वो शो किया हुआ है। तो ये ग्रुप फॉर्म है, ये जो नंबर ऑफ बुक्स और ये डेज हैं, तो इसलिए हम इस डाटा को कहेंगे ये है ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, इसको हम ग्रुप्ड डाटा लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट है नंबर ऑफ विजिटर्स एट एन एग्जीबिशन एट एक्सपो सेंटर लाहौर। एक्सपो सेंटर लाहौर में एग्जीबिशन में जो विजिटर्स आए हुए उनके तादाद का इन्होंने ये टेबल जो है वो शो किया हुआ है। इनमें डेज दिए हैं सैटरडे संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, और नंबर ऑफ विजिटर्स जितने जितने विजिटर्स आए तो ये इंडिविजुअल शोर है, लेकिन इंडिविजुअल इंडिविजुअल हमने जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड की हुई, तो इसलिए हम इस तरह के डाटा को क्या कहते हैं, ये अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर थ्री भी जो है सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर फोर जो है ये है ड्रॉ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल बायोग्राफ ऑफ योर ऑब्टेन मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट ऑफ योर रिसेंट मंथली टेस्ट। इसमें ये एक्टिविटी यानी कि आपने जो अपने रिसेंटली मंथली टेस्ट जो है उन जो सब्जेक्ट के उनमें जो मार्क्स ऑब्टेंड किए उनका हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ करें। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में नहीं आते थे, तो चलिए ये रहने देते हैं हमें फोर क्वेश्चन। तो अब हम क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव है दीज फाइव चार्ट्स शो हाउ पीपल ट्रैवल टू वर्क इन मॉडर्न टाउन एंड वन टाउन द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन्स आर गिवन। ये हमें फाइव चार्ट्स दिए हुए, इसमें एक मॉडर्न टाउन लाहौर का है, इसमें पॉपुलेशन दोनों की दी हुई,
ये वन टाउन लाहौर का इसकी पॉपुलेशन दी है। मॉडल टाउन की पॉपुलेशन 1 लेख है और एवान टाउन की 1,25,000 है, ठीक है। और इसमें ये देखिए इन्होंने शो किया हुआ कलर से बाइक को येलो से, कार्स को पिंक, डार्क पिंक से बस का ग्रे, वॉक ब्लू और ट्रेन ये लाइट पिंक है, ठीक है। ये इनके ट्रैवलिंग का इन्होंने दिया हुआ कि इतने इतने लोग परसेंटेज लोग जो हैं वो ट्रैवल करते हैं बाइक से, कार से, बस से, वॉक या ट्रेन से, ठीक है। तो इसमें इन्होंने हमें ये पार्ट्स दिए हुए, इनके हमने आंसर देने हैं। कंपेयर बोथ द ग्राफ्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें जो है वो फर्स्ट पार्ट है, इन विच टाउन डू मोर पीपल ट्रैवल टू वर्क बाई कार्स एंड हाउ मैनी पीपल आर ट्रैवलिंग बाई कार। इन्होंने कहा कि इन विच टाउन, किस टाउन में जो है वो ज़्यादा लोग जो है वो काम के लिए ट्रैवल करते हैं, किस लिए, बाई कार्स के लिए। तो फिर सेकंड उन्होंने पूछा एंड हाउ मैनी पीपल आर ट्रैवलिंग बाई कार, फिर उन्होंने पूछा कि कितने लोग हैं जो कार के जरिए ट्रैवलिंग करती हैं। पहले बताना है किस टाउन के लोग हैं कितने ज़्यादा जो है वो कार के लिए ट्रैवल करते हैं, और फिर बताना है कि इनके नंबर तादाद बतानी है एंड हाउ मैनी पीपल आर ट्रैवलिंग बाई कार, ठीक है। तो चलो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट का अगर हम देखें इन्होंने कार्स का पूछा, ये कार जो है वो डार्क पिंक को शो कर रहा है, जिसमें मॉडल टाउन के लोग जो है वो 41.5% लोग ट्रैवल करते हैं, जबकि जो एवान टाउन के लोग जो हैं वो 38% है। तो इसका मतलब एवान टाउन मॉडल टाउन के जो लोग हैं वो जो है वो कार्स की जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं ज़्यादा। तो इसमें हम इसके आंसर में जो फर्स्ट है यानी विच टाउन, इसमें टाउन में हम लिखेंगे कि मॉडल टाउन में जो है वो लोग जो होते हैं वो ज़्यादा ट्रैवल करते हैं कार्स के लिए। और बाकी सेकंड क्वेश्चन है एंड हाउ मैनी पीपल आर ट्रैवलिंग बाई कार, यानी कि तादाद बतानी है हमें लोगों की। तो इसको हमने इस तरह सॉल्व करना है कि नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाई कार, तो अब मॉडल टाउन के 41 है तो 41.5% ऑफ जितनी सी टोटल पॉपुलेशन है 1 लेख, तो 41.5% का 100 लिखेंगे ऑफ का मल्टीप्लिकेशन और 1 लेख लिखेंगे। अब 2020 को 60 कट हो जाएगा। अब हम कैलकुलेटर पे हम 41.5 को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1000 के साथ, तो हमारा आंसर क्या है कि 41.500 पीपल, यानी कि नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग के बाई कार, यानी कि कार के जरिए कितने लोग ट्रैवल करते हैं मॉडल टाउन के, उनकी तादाद कितनी आई है 41.500 पीपल, ठीक है। इस तरह हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारा सेकंड पार्ट है इन विच टाउन हाउ मैनी मोर पीपल आर ट्रैवलिंग बाई बाइक्स। इन विच टाउन हाउ मैनी मोर पीपल आर ट्रैवलिंग बाई बाइक, इसमें बताना कि किस टाउन में जो है वो ज़्यादा लोग जो है वो बाइक्स के लिए ट्रैवलिंग करते हैं। तो इसमें हम दोनों टाउन्स का 1 बाय 1 पहले फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर हम माइनस कर देंगे, तो फिर जाके हमें जो है फाइंड हो जाएगा कि इन विच टाउन हाउ मैनी मोर पीपल आर ट्रैवलिंग बाई बाइक्स, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन में सबसे पहले बाइक्स का किससे शो किया हुआ है, येलो से, येलो में जो है मॉडल टाउन में है 30% और जो है एवान टाउन में है 39%, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो है सॉल्व करते हैं मॉडल टाउन के लोगों का कि नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाई बाइक्स इन मॉडल टाउन, तो इज इक्वल टू 30% ऑफ 1 लेख जितनी इसकी टोटल पॉपुलेशन है, तो 30% का 100 ऑफ का मल्टीप्लिकेशन और 1 लेख आएगा। 2020 को साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब 1000 को 30 साल कैलकुलेटर में मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारे पास आएगा 30,000, यानी कि मॉडल टाउन के जो है वो 30,000 लोग जो हैं वो बाइक्स पे ट्रैवल करते हैं। अब सेकंड में हम वन टाउन का फाइंड करेंगे कि बाइक्स पे कितने लोग ट्रैवल करते हैं, नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग बाई बाइक्स इन वन टाउन, तो ये 39% है, इसकी वन टाउन के लिए कितनी है ये टोटल पॉपुलेशन
जो है वो है 1,25,000। ठीक है, इसकी पॉपुलेशन है वहाँ टाउन की, तो अब हम करेंगे 39% का मतलब होता है 100 39 100 मल्टीप्लिकेशन 1,25,000। अब 2020 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमारे पास जो बचेगा 1,250, इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे 39 के साथ, हमारे पास आएगा 48,750। तो अब ये देखिए आपको पता चल रहा होगा, ये अवाम टाउन के लोग जो हैं वो ज़्यादा जो होते हैं वो 22 के लिए ट्रैवल करते हैं। ठीक है, ये 30,000 है और ये 48,750। तो अब हमने क्या फाइंड करना है कि हमें इसका लिखेंगे सो मोर पीपल ट्रैवलिंग बाई 22 इन अवाम टाउन, अवाम टाउन में जो है वो ज़्यादा लोग जो है 22 पर ट्रैवल करते हैं। और उन्होंने पूछा है कि हाउ मच, कितने लोग, ये भी हमने बताना है। तो हम ये क्या करेंगे कि ये जो अवाम टाउन के जितने लोगों ने 22 पर सफ़र किया है उनका जो आंसर है वो, और ये जो मॉडल टाउन के लोग हैं इनको हम माइनस कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा था कि ये 18,750 पीपल जो हैं वो लोग जो हैं वो 22 पे जो है वो ट्रैवल करते हैं, अवाम टाउन के लोग। ठीक है, इस तरह हमारा सेकंड पार्ट भी जो है वो सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट की तरफ जाते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है, फाइंड हाउ मैनी पीपल आर ट्रैवलिंग बाई वॉक ट्रेन एंड बस इन ईच टाउन। इसमें अब हमने हर टाउन का अलहदा जो है वो फाइंड करना है कि कितने लोग वॉक करते हैं, कितने ट्रेन पे जाते हैं और कितने बस पे जो है वो ट्रैवल करते हैं। ठीक है, तो आई मीन को वन बाई वन हम सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो है वो अवाम टाउन करेंगे, मॉडल टाउन का। तो इसमें वॉक का सबसे पहले फाइंड करते हैं नंबर ऑफ़ पीपल ट्रैवलिंग बाय वॉक। तो वॉक को किसे शो किया हुआ, ये वॉक है, ये ब्लू है। तो मॉडल टाउन में जो है वो 8.5% लोग जो है वो वॉक के लिए ट्रैवलिंग करते हैं। ठीक है, 8.5% जो सबसे पहले हम वॉक का फाइंड करते हैं। तो वॉक के कितने हैं, ये नंबर ऑफ़ पीपल ट्रैवलिंग बाय वॉक इज इक्वल टू 8.5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन कितने, 1,00,000 वो लिखेंगे हम। तो 8.5% का मतलब 100 8.5 over 100 मल्टीप्लिकेशन, वॉक का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, और 1,00,000 लिखेंगे। इसमें 2020 के साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचेगा 1,000 को 8.5 के साथ कैलकुलेटर पे हम मल्टीप्लिकेशन करें तो हमारा आंसर आ गया 8,500 पेपर। इनके मॉडल टाउन में जो है वो ट्रैवलिंग बाय वॉक कितने लोग आते हैं, 8,500 पीपल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ़ पीपल ट्रैवलिंग बाय ट्रेन, ट्रेन के ज़रिए मॉडल टाउन के लोग कितने जो है वो ट्रैवलिंग करते हैं। तो ट्रेन का इसमें किसके साथ शो किया हुआ, लाइट पिंक के साथ, मॉडल टाउन में 14%। ठीक है, तो हम इसके ज़रिए हम फाइंड करते हैं कि ट्रेन में कितने लोग ट्रैवलिंग करते हैं ट्रेन के ज़रिए। तो 14% ऑफ 1,00,000 जो टोटल पॉपुलेशन, 14% का मतलब 100 14 over 100 मल्टीप्लिकेशन 1,00,000, अब 2020 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। अब हम कैलकुलेटर पे 1,000 को 14 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 14,000 पीपल। यानी कि ट्रेन पे कितने ट्रैवल करते हैं ट्रेन के ज़रिए मॉडल टाउन में, 14,000 पीपल। अब नेक्स्ट हमारा है नंबर ऑफ़ पीपल ट्रैवलिंग बाई बस, इनके बस के ज़रिए कितने कहते हैं। तो मॉडल टाउन में बस का किसे शो किया हुआ, ये ग्रे कलर, ये 6% लोग हैं। ठीक है, इसके ज़रिए हम फाइंड करते हैं।